जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुश्री स्वाति मालीवाल। थैंक यू चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट इशू। सर पिछले 7 दिनों में दिल्ली देश की राजधानी में यूपीएससी की तैयारी करते हुए कई छात्रों की मौत हुई है, 4 छात्रों की मौत हुई है, और मैं ये मानती हूँ कि ये मौत नहीं है, हत्या है। सर हमने देखा किस तरीके से पटेल नगर में एक छात्र नीलेश राय नाम उसका था, वो लड़का अपने घर के बाहर खड़ा था और वहाँ पर पानी भर गया, और इस कारण से जैसे ही उसने गेट पकड़ने की कोशिश करी उसका करंट लग के उसी वक्त मौत हो गई। 2 दिन पहले राजेंद्र नगर में बुरी तरीके से 3 बच्चे डूब के मर गए, वो सिर्फ अपनी लाइब्रेरी में, अपने कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी के बेसमेंट में बैठे थे, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, सामने पानी भरा और वो पानी उनके कमरे के अंदर आ गया, बेसमेंट में आ गया, और 2 मिनट में तीनों के तीनों डूब के मर गए। सर मैं कल वहाँ गई थी और मैंने उन परिवारों से मैं मिली, उन 2 लड़कियों के परिवारों से मिली जिनकी जान गई है। उनमें से एक लड़की सर श्रिया थी, 25 साल की थी, अंबेडकर नगर से सर यहाँ दिल्ली आई थी पढ़ने के लिए। उसके पिताजी किसान हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष कर उसको दिल्ली भेजा था। उनका एक ही सपना था कि मेरी बेटी आईएएस अफसर बनेगी, मेरी बेटी इस देश का नाम रोशन करेगी। सर हम देखते हैं कि किस तरीके से इस देश में ऐसी बहुत बेटियां हैं जिनको ये सहूलियत नहीं मिल पाती, जो अपने सपने नहीं पूरे कर पाती। ये किसान परिवार अपनी बेटी को इतनी दूर दिल्ली एक सपने के साथ भेजता है और वो सपना डूब गया। इसी तरीके से तान्या जो 21 साल की थी, नवीन भी जो केरला से था, तान्या सिकंदराबाद से थी, सर दोनों के दोनों डूब गए। कौन जिम्मेदार है? सर आज दिल्ली देश की राजधानी में पूरे देश से अलग अलग कोनों से गरीब परिवारों से सर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पर आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देकर। सर वो सिर्फ अपने लिए नहीं आते, वो एक ऐसा सपना लेकर आते हैं कि हम इस देश की गवर्नेंस में बदलाव लाएंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम अपने गाँव का, हम अपने शहर की स्थिति सुधारेंगे। और सर इन बच्चों के साथ ऐसा होता है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। सर हम ये देखते हैं, मैंने कल जाके देखा राजेंद्र नगर में हर दूसरे घर में इस तरीके का सेंटर खुला हुआ है, इल्लीगल सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इन इल्लीगल सेंटर्स को कैसे खोला जा रहा है? आप देखिए, अगर कोई भी अपना दिल्ली में कोई घर बनाता है, अगर घर में थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है, तुरंत एमसीडी वाले आ जाते हैं, तुरंत वहां पे वो हल्ला करते हैं। और इतना बड़ा इल्लीगल सेंटर पे सेंटर बने जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला, तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जो आपके माध्यम से मैं यहां पे पेश करना चाहती हूं। सर हमें यह भी देखने को मिलता है कि थोड़ी सी बारिश होती नहीं और दिल्ली में कई इलाकों में ऐसा हाल हो जाता है कि नाव लेके निकलना पड़ जाए लोगों को, तो ड्रेनेज सिस्टम को कौन साफ करेगा? क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सर मैं ये आपके माध्यम से सर मैं 3 डिमांड रखना चाहती हूं। सर सबसे पहले ये जो FIR हुई है, इस FIR में उन कोचिंग के सेंटर के जो लोग हैं उनको पकड़ लिया है पुलिस ने सर, लेकिन ये जो अधिकारी हैं और चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जिम्मेदारी कौन सेट करेगा? सर आप देखिए, वहाँ पे मुझे बताया गया, बच्चों ने मुझे बताया कि किस तरीके से उन्होंने कंप्लेंट्स लिखी थी, पार्षद को लिखी थी, MLA को लिखी थी, और कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो FIR हुई है उसमें पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और ये जितने भी अधिकारी हैं इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो इस तरीके का लापरवाही या भ्रष्टाचार करने की। सर दूसरी बात, सर ऐसे मौकों पर कोई क्या ही मुआवजा देगा? एक परिवार जिसने अपनी बेटी खो दी, जिसने अपना बेटा खो दिया, सर उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं कुछ भी कह दूं, हम सब मिलके कुछ भी संवेदना प्रकट कर दें, हम उनका कोई भी खामियाजा नहीं कर सकते, हम उनकी संवेदना प्रकट ही नहीं कर सकते। सर वो इतनी पीड़ा में है, लेकिन दिल्ली सरकार का फर्ज बनता है कि 1-1 करोड़ का कॉम्पनसेशन एक एक बच्चे को मिलना ही चाहिए। तीसरी बात सर हम ये देखते हैं इतने सालों से UPSC की तैयारी करने के लिए दूर दूर जगहों से दिल्ली में बच्चे आते हैं, पर अभी तक
दिल्ली सरकार ने इस तरीके के पीजीज को, इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया। यूपीएससी की तैयारी करते हुए जो बच्चे हैं या बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हुए जो बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए कोई स्कीमें नहीं बनी है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। ये सारी की सारी गाइडलाइंस होनी चाहिए। सर, अंत में इतना कहना चाहूँगी, मैंने देखा है सर, दिल्ली में देखा है मैंने बहुत बार कि 100 मीटर की सड़क बनती है और उसके ऊपर चार नेता आ जाते हैं, हमने बनाई, और उसके बाद प्रचार पे प्रचार होता है, हमने 100 मीटर की सड़क बना दी जी, बहुत बड़ी सड़क बना दी जी। और इतना भी देखती हूँ कि जब वहाँ बोर्ड लगता है ना कि किसने सड़क बनाई, उस पर भी लड़ाई हो रही होती है कि नहीं यहाँ पे मेरा नाम लगेगा। और जब उसी सड़क के ऊपर पानी भर जाता है लापरवाही के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से, तो सारे गायब हो जाते हैं, कोई दिख नहीं रहा। मैं कल वहां गई, मुझे बड़ी पीड़ा है इस बात की कि अभी तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री, दिल्ली सरकार का एमसीडी का कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ऑफिसर इन परिवारों से नहीं मिला है। सर, आपसे यही रिक्वेस्ट है, सर प्लीज गिव जस्टिस। सर, डॉक्टर एम थंबीदुराई, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।